हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निशु और आज मैं आपके साथ कुछ रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था नायका से, आई थिंक इट्स ऑन 9th of April और 8th of April को मुझे किसी को गिफ्ट देना था, तो मैंने 3-4 प्रोडक्ट वहाँ से ऑर्डर किए थे। वहाँ पर कोई सेल भी चल रही थी तब मैंने वहाँ से ऑर्डर किए थे। तो वो जब मैंने ऑर्डर किया तो मुझे जो टाइम शो कर रहा था वो शो कर रहा था 15th of April। मुझे जिनको गिफ्ट देना था उनको, उनका बर्थडे था 18th of April को, तो मैंने सोचा ठीक है आ जाएगा। बट उसके बाद 13th of April को वो नोएडा पहुंच भी गया, जो भी उनकी कोरियर सर्विस है उसके थ्रू। उसके बाद वो मेरे पास 14th को नहीं रिसीव हुआ, 15th को कोई मेरे पास कोई मेल नहीं, कोई मैसेज नहीं कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पर है। एट लास्ट 16th को मैंने उनको कॉल किया कि मेरा प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला है और आपने अभी भी, आप अगर अपने साइट पर देखेंगे तो वो शो हो रहा है कि वो मुझे 15th को डिलीवर होगा और 15th जा चुकी है। तो उनके कस्टमर केयर ने कहा, नायका वालों के कस्टमर केयर ने कहा कि नहीं मैम, हम आप देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके बाद भी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लास्ट में फिर मैंने 2 डेज बाद 18th को फिर कॉल किया कि मैम आज भी मुझे रिसीव नहीं हुआ, प्रोडक्ट का कुछ पता नहीं था कहाँ पर है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी नायका वालों के, जबकि नायका के इतने अच्छे रिव्यू है, इतने अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी उनका ऐड करती हैं, उसको देखकर ही सब लोग करते हैं। बट एटलीस्ट आपको पता तो हो कि अगर आपका मैंने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो डिले है तो आप इन्फॉर्म करो बाय मेल, बाय मैसेज, बाय इतने सारे सोर्सेस हैं आपके पास हमें इन्फॉर्म करने के। बट नायका से मुझे कोई भी रिव्यू नहीं मिला। लास्ट में मैंने उनको फिर से कॉल किया, लॉकडाउन लग चुका था दिल्ली में, कि आप बताइए मुझे मेरा प्रोडक्ट कब मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैम अब तो लॉकडाउन लग चुका है। तो मैंने कहा लॉकडाउन तो दिल्ली में है, नोएडा में नहीं है, और आप अभी भी देखिए कि जो आपको शो कर रहा है मेरा प्रोडक्ट वो नोएडा में शो कर रहा है, सेंट्रल नोएडा में। अच्छा देखते हैं मैम, ये करते हैं वो करते हैं, बट कोई भी मुझे वहां से करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा था। लास्ट में मुझे जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ वो मुझे हुआ 31st of May को। जो ऑर्डर मुझे 15th of April को रिसीव होना था वो प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए 1st of May को। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना है, उसके साथ मैंने अदर ऐप से भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी जो मुझे विद इन अ 2-3 और विद इन अ वीक मिल गई। तो लॉकडाउन तो सबके लिए है, बट आप अगर डिले हो रहे हैं तो एटलीस्ट इन्फॉर्म करिए। तो आई एम नॉट हैप्पी विद नायका सर्विस और मैं आज के बाद तो नहीं ऑर्डर करूंगी उनसे कुछ भी। तो मैं सिर्फ यही आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं नायका से तो प्लीज़ बी अवेयर कि वो लोग अपनी डिलीवरी करेक्ट टाइम पे नहीं दे रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो वो अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं कि आप अपना, कि आपका ऑर्डर डिले है या ये है या कोई भी रीज़न, वो आपको नहीं बता रहे हैं। तो मेरी तरफ से नायका के लिए नो है, आप आगे देख सकते हैं। और अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मेरे पास कोई भी मेल, कोई मैसेज, कुछ भी नहीं था कि आपका प्रोडक्ट जो है वो इतने दिन डिले है। मुझे सिर्फ आपके साथ यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। अगर अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने ज़्यादा हो सके इस वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।